दोस्तों, मेरा नाम है अरुण, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हमने देखा कि पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो 4 साल पाकिस्तान से बाहर रहे लंदन में, तो काफ़ी लोग सोच रहे थे कि अब उनका नाम पाकिस्तान से लगभग ख़त्म सा हो गया है। लेकिन जिस तरह से नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान में एंट्री मारी है, अब हमने देखा कि हज़ारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, उनका सम्मान किया। अब ऐसा लगता है कि जैसे आज भी उनकी पहचान पाकिस्तान में जीवित है। उन्होंने हज़ारों लोगों के सामने अपने बीते 4 सालों के बारे में बताया और उन्होंने भी लोगों का इस्तकबाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान में आज लोगों की हालत बहुत गंभीर है, पैसों की कमी है, बेरोज़गारी है, महंगाई है। उन्होंने कहा यह हालत जो बिगड़े हैं इसमें शहबाज शरीफ का कोई दोष नहीं है, यह पहले से ही हालत ख़राब थी। और उन्होंने बोला कि जो फिलिस्तीन में लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम सब मिलकर उसका कंडेम करते हैं और हमें फिलिस्तीन के लोगों का साथ देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने फिलिस्तीन का झंडा हाथ में लेकर लोगों से अपील की कि आप सब लोग भी मिलकर फिलिस्तीन की मदद करें। और उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने राजनीति के कारण अपनी माँ और पत्नी को खो दिया है। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस माटी का लाल हूँ, मरियम इस माटी की बेटी हैं। दोस्तों, मरियम नवाज शरीफ की बेटी हैं। फिर उन्होंने बोला कि जब भी मुझे पाकिस्तान के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने का मौका दिया गया, मैंने वफादारी के साथ पाकिस्तान की सेवा की, मैं किसी भी बलिदान से कभी नहीं हिचकिचाया। उन्होंने आगे कहा कि मैं कई सालों बाद आप लोगों के सामने हूँ, लेकिन मेरा आपसे प्यार का रिश्ता वैसा ही है, अच्छा जो पहले था, इस रिश्ते में कोई अंतर नहीं आया है। मैं आपकी आंखों में जो प्यार देख रहा हूँ मुझे उस पर गर्व है। और रैली के अंत में उन्होंने सभी लोगों से आई लव यू टू बोला। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, वो 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके एक भी बार। वैसे तो पाकिस्तान के कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी तक कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ के आने से पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, क्या लोगों की परेशानियां हल होंगी, क्या उनकी दिक्कतें ख़त्म होगी, क्या नवाज शरीफ फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अभी काफ़ी अटकलें हैं, लेकिन उनके जो 1 घंटे का भाषण था, उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान की बेहतरी के सारे काम किए हैं जो एक लीडर करता है, और मैंने पूरे दिल से किया है। क्या हमें इसी बात की सज़ा मिलती है, क्या इसी वजह से हमारे खिलाफ़ फैसले सुनाए जाते हैं। मैंने कभी अपने समर्थकों को धोखा नहीं दिया और ना ही हम किसी तरह का बलिदान देने से पीछे हटते हैं। मेरे और मेरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ फर्जी केस दर्ज किए, लेकिन हमने देश के लिए काम नहीं छोड़ा, काम किए। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, हमने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति वाला देश बनाया। दोस्तों, अभी जो मैंने आपसे बातें कही कि नवाज शरीफ के बारे में, अभी जो नवाज शरीफ नए नए आए हैं, नए नए लोगों से तो सभी मिलते हैं और अच्छा बोलते हैं, लेकिन देखना ये है कि कुछ महीने बाद वो अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर पाते हैं, अभी देखना अभी बाकी है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना।